आज की इस वीडियो में बात करते हैं स्कैनर पावर बोर्ड के मतलब और इसके ऊपर जितने भी ये पॉइंट बने हुए हैं इनके बारे में सीखेंगे कि ये किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका कनेक्शन जो है वो मशीन के अंदर किन किन चीज़ों के साथ होता है। तो सबसे पहले ये वाले जो कनेक्शन है ये दोनों ब्लैक और एक वाइट कलर का, ब्लैक जो छोटा है ये भी आपका जो है ADF को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये जब आप डॉक्यूमेंट फिटर का जैक लगाते हैं तो उनका जो कनेक्शन है वो बोर्ड के अंदर इसी जैक के अंदर जाके लगता है। और जो ADF का ग्रिप के साथ छोटा सा एक क्लिप होता है वो भी इसी जैक में ऑपरेट होता है। उसके बाद बात करते हैं ये जो छोटे वाइट कलर के हैं जिनके अंदर दो दो तारों वाले ग्रिप लगते हैं, ये आपका होता है जी डॉक्यूमेंट फीडर का जो सेंसर होता है ADF को कनेक्ट करने के लिए, ये उसके लिए होता है। और अगर ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट फीडर जो आप उसको नीचे के ऐसे शीशे की तरफ लगाएंगे तो ये वहाँ पर जो है वो इसका एरर देगी, तो ये उसको कनेक्ट करने के लिए होते हैं। और उसके बाद ये वाला जो ग्रिप है आपका, ये ग्रिप होता है जी जो स्कैनर जब आपका झूला लेता है तो उसके अंदर एक लैंप लगा होता है, जो लैंप होता है तो उसको ऑन करने के लिए, उसको पावर देने के लिए ये वाला जो जैक है वो इस्तेमाल होता है। और उसके बाद एक वाइट कलर का पत्ता भी होता है, वाइट कलर की स्ट्रिप वो भी इसी से होती है। और ये वाला जो जैक है ये आपकी जो स्कैनर के स्कैनर को झूला देने के लिए जो मोटर होती है जो स्कैनर को आगे पीछे मूव करती है तो उस मोटर को कनेक्ट करने के लिए ये वाला जो जैक है वो इस्तेमाल होता है। और ये जो दोनों जैक जो हैं वो ये आपके स्कैनर का जो कैमरा होता है उसको करंट देने के लिए ये दोनों जैक जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो ये वाला जो ग्रिप है ये आपका जो सेंसर है जहाँ पर जाके स्कैनर रुकता है तो जो स्कैनर का जो सेंसर स्कैनर की हद बताता है कि वहाँ पे जाके उसने रुकना है तो वो वाले सेंसर को करंट इसी जैक से जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पे इसका एक किल्ली वाला जो सेंसर होता है वो भी इसी जैक से अपडेट होता है। उसके बाद जो ये वाला जैक है ये आपका जब आप कैमरे वाला बोर्ड को बंद करते हैं तो उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की प्लेट लगती है, उसके अंदर जो दो आई सेंसर लगे होते हैं ये उनको कनेक्ट करने के लिए होता है। लेकिन अगर ये आप लगाएं तो ठीक है, अगर ना भी लगाएं तो इसका कोई मसला नहीं। और उसके बाद जो ये वाला जैक है इसका वैसे मशीन के अंदर कोई काम नहीं होता, इसके बारे में वैसे भी मुझे कोई पता नहीं है कि ये कौन सा, अगर देखने वाले भाइयों में से किसी को पता हो तो वो ज़रूर इस जैक के बारे में मुझे बताए कमेंट्स करके। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं ये वाले जैक की, तो ये वाला जो जैक है ये आपका मेन है, ये इससे जो है वो आपको मेन है और इसी से जो है वो इसी बोर्ड के अंदर करंट भी आता है। और ये जो स्कैनर के ऊपर जो बैक साइड का कंट्रोल बोर्ड होता है उसके ऊपर एक छोटा बोर्ड लगा होता है उसको कनेक्ट करने के लिए ये जो है वो इस्तेमाल होता है। और इसी से जो है वो इसी पूरे बोर्ड को जो है वो करंट जो है वो पावर पूरे बोर्ड को मिलती है इसी जैक के ज़रिए से। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इस पूरे बोर्ड के अंदर जो है वो करंट नहीं आएगा, तो ये बोर्ड जो है वो चालू नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ जी आप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमती वीडियोज़ जो है तो वो आप तक इसी तरह पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।